नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं असम में 3 चरण में और केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में 1-1 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। बंगाल में पहला चरण 27 मार्च को, दूसरा 1 अप्रैल, तीसरा 6 अप्रैल तथा चौथा 10 अप्रैल, पांचवा 17 अप्रैल, छठा चरण 22 अप्रैल और सातवां चरण 26 अप्रैल, आठवें चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। वहीं असम में प्रथम चरण का मतदान 27 मार्च, दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल और तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को मतदान होंगे। सभी राज्यों में 2 मई को मतगणना होगी। झारखंड में बेरोजगारी भत्ते पर योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी। राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी मिल गई। योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के बाद इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाएगी। मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। योजना प्राधिकृत समिति ने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के जिस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है, उसके अनुसार तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत ITI, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, वोकेशनल एवं अन्य तकनीकी योग्यता रखने वाले बेरोजगारों को 5,000 रुपये वार्षिक बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। यह राशि 1 साल के लिए मिलेगी। बता दें कि पिछले वर्ष जून माह में भी इस योजना का प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया था, लेकिन कोरोना के कारण उस समय फाइल लौटा दी गई। उस समय मैट्रिक उत्तीर्ण बेरोजगारों को 2,000 तथा स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को 5,000 रुपये 2 साल तक भत्ता देने का प्रस्ताव था। इस योजना का लाभ झारखंड के स्थानीय बेरोजगारों को ही मिलेगा, साथ ही उसका राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंध अनिवार्य होगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार का मूल मंत्र विकास, हर वर्गों को मुख्यधारा में जोड़ना और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। झारखंड का बजट शुक्रवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू विधानसभा में सरकार की योजना और उपलब्धियों की जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा, निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जनता की अपेक्षा पूरी करने की जिम्मेदारी है। सरकार ने जनहित में कार्य किए हैं, इसकी सर्वत्र प्रशंसा भी हो रही है। सरकार का मूल मंत्र विकास है, सभी वर्गों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ा है, सबकी सहभागिता विकास में सुनिश्चित की जा रही है, सभी क्षेत्रों पर सरकार का फोकस है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों पर खास फोकस है। राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सरकार की 0 टॉलरेंस नीति है, निगरानी तंत्र को सशक्त किया जा रहा है। 2021 में भ्रष्टाचार पर संलिप्त 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक 47 कांड दर्ज किए गए, जबकि 60 से ज्यादा कांड का निष्पादन भी किया गया है। झारखंड कैबिनेट ने 28 फैसलों पर लगाई मुहर। शहीदों और 40% दिव्यांगों के आश्रितों को मिलेगी सीधी नौकरी। अलग झारखंड राज्य आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए आंदोलनकारियों, जेल में जान गंवाने वालों और 40% से अधिक दिव्यांग आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नौकरी मिलेगी। ऐसे आंदोलनकारियों के एक परिवार के एक ही सदस्य को तृतीय या चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दी जाएगी। कैबिनेट के सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि आंदोलनकारियों के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी भी की गई है। आंदोलन के दौरान 3 माह से कम जेल में रहने वालों को अब 3,500 रुपये, 3 से 6 माह तक जेल में रहने वालों को 5,000 रुपये और 6 महीने से अधिक जेल काटने वालों को 7,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड आंदोलन में शहीद आंदोलनकारियों को 20 साल के बाद सम्मान मिला है। अब तक ये लोग भटक रहे थे, जबकि उन्हीं के बदौलत हमें यह राज मिला है। खबर है झारखंड के गुमला से। झारखंड के गुमला में नरसंहार का पुलिस ने किया खुलासा। 8 आरोपी गिरफ्तार, टांगे भी बरामद किए गए हैं। झारखंड के गुमला जिले के कमडारा थाना के आमटोली पहाड़ गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या जादू टोना को लेकर की गई थी। गांव में हाल के दिनों में कुछ लोग बीमार थे और कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इससे गांव के लोग अंधविश्वास में आ गए और बैठकर नरसंहार की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस के हाथ सबूत लगे हैं। नरसंहार मामले में कमडारा थाना की पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। झारखंड में भूमि अधिग्रहण मामले पर सख्त भी झारखंड सरकार। नए सिरे से जमीन का करा सकती है सर्वे। सरकार राज्य भर में नए सिरे से जमीन का सर्वे करा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने UPA विधायक दल की बैठक में कहा कि राज्य भर से मिल रहे जमीन संबंधी विवादों के निपटारे को लेकर सरकार गंभीर है।
जमीन के मामले को लेकर नए तरीके से सरकार को काम करना होगा। किसी भी जमीन का गलत तरीके से अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। म्यूटेशन से लेकर जमीन की हेराफेरी में गड़बड़ी से संबंधित मामले को लेकर सरकार गंभीर है। झामुमो विधायक ने बैठक में जमीन संबंधी विवादों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कांग्रेसी विधायकों का कहना था कि शहर से लेकर अंचल तक जमीन विवाद के मामले बढ़े हैं। पूर्व की सरकार ने जमीन अधिग्रहण के मामले में गड़बड़ी की है। वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उन गड़बड़ियों को ठीक करे। लोगों को गैर मजरूआत जमीन से भी हटाया जा रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय एजेंडों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। झारखंड के 10 लाख बाइक सवारों का बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। राज्य में 10 लाख बाइक सवारों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से अभियान चलाया जाएगा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से जून तक यह अभियान चलेगा। हर जिले के अनुमंडल व कुछ प्रखंड कार्यालयों में कैंप लगाकर सुदूर व ग्रामीण क्षेत्र के महिला व पुरुष का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम किया जाएगा। जहां कैंप लगेगा उस कार्यालय को NIC के जरिए जोड़ा जाएगा। लाइसेंस बनने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसी जगह पर होगा जहाँ पर कैंप लगाकर लाइसेंस बनाने का काम किया गया था। झारखंड में बढ़ाई गई मनरेगा मजदूरी। झारखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत राज्य में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी। मनरेगा में 194 रुपये के स्थान पर 225 रुपये न्यूनतम मजदूरी कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसका फायदा झारखंड में सक्रिय 42 लाख मजदूरों को मिलेगा। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि 309 रुपये की दर से हरियाणा में मनरेगा मजदूरों को भुगतान किया जाता है। भारत बंद कर रांची में आंशिक असर। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का दावा, 5 करोड़ का माल रांची में नहीं उतरा, 500 गाड़ियां रही खड़ी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के भारत बंदी का आंशिक असर रांची में रहा। रांची में कोई माल ढोने वाली लगभग 500 गाड़ियां शहर के अलग अलग हिस्से में खड़ी रही। बाजारों में लोडिंग अनलोडिंग का काम भी पूरी तरह प्रभावित रहा। राज्य में ट्रांसपोर्ट कार्यालयों का सबसे बड़ा क्षेत्र जलान रोड में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। यहां ट्रांसपोर्ट के एक भी कार्यालय का ताला सुबह से नहीं खुला। संगठन के प्रवक्ता सुनील सिंह ने बताया कि इस बंदी के कारण बाहर से आने वाले लगभग 5 करोड़ के रांची में सामान नहीं उतरे। ये आकलन केवल जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रकों के आधार पर है। उन्होंने बताया कि रोजाना लगभग 500 माल ट्रक रांची में उतरता है, लेकिन शुक्रवार को एक ट्रक माल भी नहीं उतरा। झारखंड में मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए 5 विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गुरुवार को मैट्रिक के 5 विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया। जिन विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय शामिल है। जैक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने मॉडल प्रश्न पत्र से परीक्षार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहा। हिंदी और अंग्रेजी पेपर में 90-90 अंक के प्रश्न हैं। अंग्रेजी विषय में प्रश्न 3 सेक्शन में रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। सेक्शन ए में रीडिंग से 24 अंक के प्रश्न रहेंगे, सेक्शन बी में राइटिंग से और ग्रामर से 34 अंक का सवाल रहेगा, जबकि सेक्शन सी में लिटरेचर से 32 अंक के प्रश्न हैं। विज्ञान विषय में 80 अंक के प्रश्न है, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 27 है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में 90 अंक का प्रश्न है। इस विषय में इतिहास भूगोल से 23-23 अंक का प्रश्न है। वहीं नागरिक और अर्थशास्त्र से 22-22 अंक के प्रश्न है। गणित में भी 90 अंकों का सवाल है। प्रश्नों की संख्या 49 है। 4 सेक्शन में प्रश्नों को बांटा गया है। ए सेक्शन में 30 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सेक्शन बी में 10 प्रश्न के 2-2 अंक है। सेक्शन सी में 5 अंक के 4 प्रश्न है। इसी प्रकार सेक्शन डी में 4 प्रश्न के 5-5 अंक है। झारखंड के हेमंत सोरेन ने ताबड़तोड़ फैसलों से चौंकाया सबको, सभी की उम्मीदें पूरी। झारखंड मंत्रालय में 25 फरवरी 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। यहां सीएम हेमंत सोरेन ने जनहित में एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ फैसले लेकर सबको चौंका दिया। मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया गया है, जबकि झारखंड आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का बड़ा तोहफा मिला है और उनके आश्रितों को 7,000 रुपये मासिक पेंशन भी देने की वादा किए हैं। झारखंड के जेलों से छूटेंगे आजीवन कारावास के 26 कैदी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य सज्जा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य के जेलों से आजीवन कारावास के 26 कैदियों की असामयिक करामुक्ति संबंधित परिषद की अनुशंसा को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है।
राइस सजा पुनरीक्षण परिषद की पिछली बैठक 4 दिसंबर 2020 को हुई, जिसमें कोई निर्णय नहीं हो सका था। गुरुवार की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने 50 कैदियों की असमय कारामुक्ति से संबंधित प्रस्ताव रखा गया। सभी 50 कैदियों की असमय कारामुक्ति के बिंदु पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें 26 कैदियों को छोड़ने पर ही मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। अब अगले कुछ ही दिनों में 26 कैदियों को कारा से रिहा करने की कार्रवाई की जाएगी। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में मौसम साफ नजर आ रहा है। न्यूनतम तापमान थोड़ा गिर सकता है, अधिकतम तापमान भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में कहीं कोई बदलाव के संकेत नहीं है, अधिकतम तापमान में भी धीरे धीरे वृद्धि होगी। इसके साथ ही आज के समाचारों बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।